कॉमन गोल्डन फिंच पर्पल चेस्ट में मेल और फीमेल की पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों, कॉमन गोल्डन फिंच में कई वैरायटी और कई कलर मौजूद हैं। इनमें जो मेल और फीमेल का डिफरेंट है वो इनके कलर पर डिपेंड करता है। इनके कलर से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये हमारे पास जो परिंदे हैं ये मेल हैं या फीमेल हैं। आज की जो वीडियो है इसमें सिर्फ मैं कॉमन गोल्डन पर्पल चेस्ट के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इन्फॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये एक कन्फर्म पेयर है। इनमें जो डिफरेंट है मेल और फीमेल का वो इनका जो कलर है चेस्ट का, जो पर्पल कलर है चेस्ट का, इस पर डिपेंड करता है। जिसकी चेस्ट का कलर डार्क पर्पल है वो इसमें मेल है और जिसकी चेस्ट का कलर लाइट पर्पल होगा वो कन्फर्म फीमेल होगी। इंतहाई आसान तरीका है, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जिसके जो कलर है चेस्ट का डार्क पर्पल यानी तेज़ पर्पल होगा वो इसमें कन्फर्म मेल होगा और जिसका कलर चेस्ट का लाइट पर्पल होगा तो वो इसमें कन्फर्म फीमेल होगी। तो ये मेल और फीमेल की पहचान सिर्फ पर्पल चेस्ट की जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, और इससे आपको मालूम भी हो जाएगा कि क्या हमारे पास मेल है या फीमेल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आज आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों, एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए।